तो इस वाणी से कुछ गाना चाहिए तो वो भगवान का नाम है। जितना हो सके सत्संग में जाए, कथा में जाए, हरि कथा में जाए, तो वहां पर इधर उधर की बातों को छोड़कर बैठ के केवल भगवान का नाम गाना चाहिए। यही बात गुरु महाराज जामू जी ने कही कि वाणी को सोच समझ के तोड़कर बोलना चाहिए। आगे गुरु भगवान नियम बतायो कि समा दया हृदय धरो गुरु बतायो, चोरी निंदा झूठ भरजियो वादन करनो। कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कह दे, समा का अर्थ क्या होता है देखो, समाधि में कह दे, कोई व्यक्ति आपको कुछ बुरे शब्द, मन को ठेस पहुंचने वाले शब्द कह दे, तो बदले में आप चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से निकल जाएं, उसे कहते हैं शब्द। जहां कुछ विवाद हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वहां पे आज हमारी कथा में सिरसा से देश कमल जी आए, रात्रि कालीन इनके यहाँ पर भोजन प्रसाद का कार्यक्रम था। महासभा के सचिव हैं सोमराज जी, उन्होंने भी रात्रि में चर्चा चल रही थी तो आपके सत्संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया था। यहाँ के प्रधान जी और पूरी कमेटी के लिए कि उन्होंने इतने सालों बाद में संदरिया के अंदर सत्संग करवाई है, तो आप सभी जिन भी लोगों ने इस कथा को संपन्न बनाने के लिए, इस कथा को पूर्ण करने के लिए अपना योगदान दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर कथा सत्संग हो रही है, ये बात आप सोच रहे कि हम इतने ही लोग देख रहे हैं, पर कहीं सत्संग होती है तो आसपास क्षेत्रों में और दूर दूर तक आप लाइव टेलीकास्ट भी सब लोग देख रहे हैं। तो संदरिया का नाम सब जगह जा रहे हैं कि वहां भी विष्णु ही रहते हैं। शहर के अंदर इतना बड़ा विष्णु मंदिर है, जम्बेश्वर भगवान का मंदिर है, तो बड़ी सुंदर बात है कि हमें गुरु महाराज की लीला, गुरु महाराज की कथा सत्संग यहाँ सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। और बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका, फिर भी हमारे बीच में आज सत्संग सुनने के लिए पधारे हैं। घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम भी चल रहा है, फिर भी सत्संग सुनने के लिए आना तो बहुत धन्यवाद का बात है। तो मैं निवेदन करूंगी कि मनोहर जी ये प्रस्थान करना है, हो सकता है कोई काम हो तो सभा की ओर से सम्मान चिन्ह प्रदान करें। देश कमल जी सिगड़ साहब शिवालोड संस्थान सिरसा और जिनवाड़ा बिश्नोइया से हमारे बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। इनको शॉल ओढ़ा करके वीरेंद्र ग्रेविटी संस्थान के मालिक वीरेंद्र दाड़िया से निवेदन करूंगा कि वे आकर के इनको शॉल ओढ़ा कर सम्मान करें। जल्दी आए, आओ सब। जो मंच में आओ प्रधान, इनको थोड़ा जल्दी है, विवाह का काम है। जोरदार तालियों से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में कोई 5-10 मिनट के समय आया है कि हमारे संगरिया के लोग लाडले विधायक श्री अभिमन्यु पूनिया भी पधारने वाले हैं। आज कुछ मेहमानों का तांता कुछ ज़्यादा ही रहेगा और बीच बीच में कथा के बीच बीच में थोड़ा व्यवधान भी, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि अंतिम दिवस तो नहीं, वो विश्राम दिवस है आज और रात्रि को जागरण होगा, तो बीच बीच में चलता रहेगा और मधु विष्णु भी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और साथ साथ में ध्यान रखेंगे। बोले गुरु गंभीर भगवान की। बोल श्री गुरु गंभीर भगवान।